उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में देव दीपावली समारोह में शामिल होने के दौरान डमरू बजाया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर समाज में एकता और समानता के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जन्म जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा की हम सब जानते हैं कि आजादी की लड़ाई से लेकर समाज में एकता के साथ साथ समानता हो, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती पर हम जहां उनको याद करते हैं, वहीं हम उनसे प्रेरणा लेकर के देश में एकता के साथ जनजाति गौरव दिवस हम मनाते भी हैं, और उनके द्वारा जो जनजाति भाइयों का जो गौरव बढ़ाया है और जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में इस दिवस को मनाने का तय किया है, इसमें हम भी अपने आप को शामिल करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन अवसर है, आज देव दीपावली मनाई जा रही है। मैं देश भर के लोगों को इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। कार्तिक पूर्णिमा का पावन अवसर है, आज देव दीपावली मनाई जा रही है। मैं देश भर के लोगों को इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व भी है। मैं पूरे देश को, विशेष रूप से विश्व भर में फैले हुए सिख भाई बहनों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि फूट डालो और शासन करो का नारा राजनीतिक इतिहास में किसी ने नहीं दिया होगा। सबसे पहले चुनाव आयोग को इनको बैन कर देना चाहिए। देखिए, डिवाइड एंड रूल, ये जो नारा है, देश की और दुनिया के पॉलिटिकल कैरियर में, राजनीतिक इतिहास में किसी ने ऐसा नारा नहीं दिया होगा। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को इनको बैन करना चाहिए कि जिन्होंने डिवाइड एंड रूल का, जो अंग्रेजों का नारा था, उसको नारा बीजेपी ने अपना नारा बनाया।